Guys, and welcome back to the channel. So I have the Speed 400 with me. The actual production vehicle है इसका हम एक छोटा सा टेस्ट राइड लेंगे. काफ़ी कम चलाऊंगा मैं, बाहर नहीं लेके जाऊंगा बिकॉज नंबर प्लेट अब तक आनी है. सो विल राइड इट इन द क्लोज एनवायरमेंट और ऑलमोस्ट ऑफ रोड या फिर बैड पैच इस तरह रहने वाला ये रोड. एंड वंस द नंबर कम्स आई विल टेक इट आउट ऑन अ हाईवे एंड गिव यू द हाईवे फीडबैक टू विच विल बी लाइक इन कमिंग नेक्स्ट 10 डेज और सो अप्रॉक्सीमेटली. तो फर्स्ट इम्प्रेशन जब मैं बाइक देखता हूँ या फिर मेरे डोमिनर के पास जब खड़ी थी तो इट लुक्ड स्मॉल. येस इट इज़ स्मॉल बट नॉट दैट स्मॉल टू, काफ़ी छोटी नहीं है बट यू विल रिकग्नाइज दैट इट्स अ स्मॉल बाइक. इट इज़ नॉट दैट बिग. फिट एंड फिनिश वाइज ओवरऑल आई डिड लाइक द बाइक. सब जगह से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है. बजाज ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन पल्सर्स एंड डोमिनाज एंड ऑल. सो इसमें भी ऑफकोर्स इसमें ट्रायम्फ का भी इनपुट्स रहा रहेगा. सो फिट एंड फिनिश वाइज एवरीथिंग इज़ रियली नाइस एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू बिट्स लाइक ये छोटा सा ये जो वेल्डिंग पार्ट है एग्जॉस्ट का, मुझे कुछ ये अच्छा नहीं लगा. लाइक दिस लाइक यू नो बींग अ ट्रायम्फ दिस कुड हैव बीन कवर्ड और समथिंग. And by the way, this exhaust comes from here, the bent pipe, the header, it goes in to the underbelly and it is not connected straight over here. There's a gap in between over here. ये सिर्फ cover से cover कर दिया which is better. They did not keep it open. वो अच्छा किया. And then it goes to the underbelly and then comes out from here. Okay, and it then goes to the end can. End can is पूरा stainless steel finish. तो आपको ये rusting वगैरह के issues नहीं आएंगे but ये welding के parts पे यहाँ पे कुछ खास अच्छा नहीं है. अदरवाइज आई थिंक ओवरऑल यू नो ऐसे कुछ मैं नुक्स निकाल नहीं पाया. अभी चलाएंगे उसके बाद मैं एक और फीडबैक देता हूँ कि इंजन कैसा है. फर्स्ट इम्प्रेशन पे जब स्टार्ट किया तो इंजन तो काफ़ी ऐसे क्रिस्प एंड लाइट वेट लगा मुझे. मतलब ऐसे लगाने के 400 इंजन है. वाइल स्टार्टिंग इट फील्स लाइक अ लाइटर स्मॉलर इंजन. एंड स्टार्ट करते समय मैं वहाँ से यहाँ तक लेके आया तभी भी मुझे कुछ वाइब्रेशंस नहीं फील हुए, कुछ जारिंग कहीं पे फील नहीं हुआ. बट थोड़ा सा ऑफ रोड लेके जाएंगे उसको बैड रोड्स पे, उधर देखेंगे क्या फीडबैक है. बाकी स्विच गियर वगैरह इट इज़ नॉट नॉर्मल बजाज, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. यू गेट द किल स्विच हेयर, योर हैजार्ड हेयर, योर स्टार्टर हेयर, देन यू हैव द आई बटन फॉर ऑल दिस थिंग्स ओवर हेयर. इन साइड द स्पीडो यू हैव द इंडिकेटर एंड टू कैंसिल इट यू हैव टू प्रेस इट इन द सेंटर. हॉर्न इज हियर, हाई लो बीम एंड पास लाइट इज हियर. ये मुझे चेक करना है क्या है, आई एम नॉट चेक्ड. यू गॉट बार एंड मिरर्स एंड वेरी स्मॉल बार एंड्स. रिमेंबर या फिर ये आपको पता रहेगा, विच एवर बाइक हैज़ बिग बार एंड्स, ओके दैट मीन्स देर आर वाइब्स इन द बाइक. इफ ट्रायम्फ एंड बजाज हैव नॉट प्रोवाइडेड इट, दैट मीन्स दे डिडंट हैव टू किल द वाइब्रेशंस इन द हैंडल. That means and that is the reason why they've not given big bar ends. So this is one more sign that this is a smoother engine when compared to your Dominar 400. Suspension of course USD hai. Headlight LED aapko mil jati hai. Indicators bhi LED mil jate hain. Even the tail lamp is LED. Okay. Chain is on the right hand side and of course this chain I can recognize. It's almost looks like the Dominar chain. Sprocket is of course different. एंड राइट साइड पे है चेन स्प्रॉकेट, लेफ्ट साइड पे आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं. यहाँ पे हगर वगैरह कुछ नहीं है, देयर इज नो हगर. बट ट्रायम्फ हैव मेड दी मड फ्लैप्स और द रेयर फेंडर थिकर सो दैट मड शुड नॉट कम अप. आता है थोड़ा, यहीं तक आता है, ज़्यादा ऊपर नहीं आता है. ऑब्वियसली यू गेट अ नीट साड़ी गार्ड कंपल्सरी है, ये देना ही पड़ता है उनको. एंड इट इज़ रियली वेल ले आउट, इट इज़ नॉट गॉडी, इट इज़ नॉट बिग, प्रॉपरली लेड आउट है. पीछे के लिए यू गेट फुटरेस्ट विथ स्मॉल रबर्स. पिलियन का फीडबैक वंस आई राइड विथ माय सन और माय वाइफ कभी तो मैं वो फीडबैक दे दूंगा. बाकी पूरी बाइक ऐसे काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड रियली वेल फिनिश्ड है. इवन द सीट सेक्शन ओवर हियर इट इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड यू गेट अ वेरी गुड ग्रिप. जो मैं थोड़ा सा जो यहाँ से यहाँ चला के लाया उसमें काफ़ी अच्छा ग्रिप मिला है. तो इतना सब मैंने बता दिया. ऑफकोर्स इट इज़ रेडिएटर कूल्ड एंड यू गेट अ रेडिएटर ग्रिल बाई डिफॉल्ट. छोटा सा क्रैश गार्ड भी है यहाँ पे. लेट्स स्टार्ट इट. स्टार्टर के आवाज़ से ही आपको पता चल जाए कि
दिस इज़ अ बजाज स्टार्टर, डोमिनार स्टार्टर, अब तक 18 किलोमीटर चली हुई है बाइक, रियली लाइट एंड निम्बल टू हैंडल, ऐसे फील ही नहीं हो रहा है कि ये 400 सीसी बाइक है। ओके, हैंडल थोड़ा सा स्टिफ है अभी, नॉट श्योर वाई, दिस इज़ वॉट आई फेल्ट वेन टेकिंग द बाइक आउट। एंड मुकुल जो ओनर है वो जब चला रहे थे तो उन्होंने बताया था कि ब्रेक्स आर नॉट गिविंग अ वेरी गुड फीडबैक राइट नाउ। ओ वाओ, दैट्स अ नाइस पावर, काफ़ी अच्छा पावर है बाइक में, नो वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑफ एनी सॉर्ट, वो अपनी डोमिनार। ऑन दिस बैड रोड्स कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, पैनल्स में से कहीं से भी, किसी भी वायर में से, किसी भी फिटिंग में से, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ साउंड। ऑफकोर्स आई वोंट बी पुशिंग द बाइक मच, अभी भी नहीं है इसका, हम चाहते हैं कि प्रॉपर रनिंग इन हो। ये ग्रिप काफ़ी सही है जो इधर मिल रहा है, आई थिंक आई एम श्योर ऑटोलॉक विल इंस्टॉल टैंक ग्रिप्स, उसके बाद और सही हो जाएगा। गियर्स आर अ बिट नॉची, क्लच इज सुपर लाइट एंड यू समहाउ गेट अ हैवी KTM फील ऑल्सो, लाइक यू नो KTM है और काफ़ी वेट बढ़ गया है KTM का, ऐसा थोड़ा सा फील आ रहा है, इट डजेंट फील लाइक डोमिनारिश और समथिंग। Many people will like to compare it with your already own, you know, people who own Dominar would like to compare it that way too. ये देखो, जो न्यूट्रल इश्यूज मुझे डोमिनार में आते हैं वो इसमें भी मुझे आ रहे हैं। सो गियर्स थोड़े से नॉची है एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, बट अदरवाइज इंजन इज राइट नाउ स्मूथ, आई डोंट फील एनी हार्शनेस और यू नो हार्डनेस या फिर ऐसा कुछ डिफरेंट वाइब्स टाइप, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है इस इंजन में एटलीस्ट। एंड ऑफकोर्स मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ बिकॉज आई एम इन अ क्लोज एनवायरनमेंट, बाइक ईजिली आप आगे पीछे कर पा रहे हो, द सीट टाइट इज़ नॉट अफेक्टिंग मी मच, 10 यू नो 5'10" एंड आई कैन ऑलमोस्ट फ्लैट फुट दोनों साइड पे, बट थोड़ा सा आई वुड हैव बीन मोर कम्फर्टेबल, इट वॉज अ लिटल मोर यू नो मोर ईजी फ्लैट फुट, ये जस्ट फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ मैं, बिकॉज इन बैड टेरेन्स या फिर बैड पैचेस या फिर जहाँ पे यू नो सपोर्ट अच्छा नहीं है वहाँ पे ये मुझे तकलीफ देने वाला है मेरे केस में। अगर आपकी हाइट 5'10" है तो सम वॉट दिस माइट बी योर फीडबैक टू। सो दैट वॉज अ क्विक राइड विद दी स्पीड 400, अभी यहीं पे अंदर क्लोज एनवायरनमेंट में चला लिया। सो ट्रायम्फ ने कल जब हम डिलीवरी ले रहे थे तब ये भी बताया था कि जो इंजन स्मूदनेस है विच विल यू नो दैट विल इम्प्रूव अ लिटिल मोर, अभी मुझे तो काफ़ी स्मूद लग रहा है बिकॉज RPM भी मैंने रेज नहीं किया था, भगाया भी नहीं ज़्यादा, तो इस लेवल पे काफ़ी स्मूद लग रहा है। आई वॉज मैक्स इन थर्ड गियर इन दिस रेंज एंड आई थिंक मैक्स 3000-4000 RPM तक गया रहेगा मैं अभी, बट दे सेड वंस 300-400 किलोमीटर्स हो जाएंगे उसके बाद ये इंजन और स्मूद हो जाएगा और लाइट फील करेगा और यू नो जो कुछ वाइब्रेशंस अगर आने वाले हैं एट अ हायर रेंज या फिर लिटिल मोर हायर रेंज लाइक यू नो 5000-6000 RPM वो भी कम हो जाएंगे। एंड ऑफकोर्स ये हमने डोमिनार में भी देखा है, एवरी टाइम यू पुट अ फ्रेश ऑयल एंड योर फर्स्ट सर्विस इज डन, योर इंजन बिकम्स क्वाइट स्मूथ। एंड ऑफकोर्स इफ यू स्विच टू थिंग्स लाइक ऑयल्स लाइक लिक्विमोली टर्बो प्रोटेक्ट, यू गेट अ मच मच स्मूदर इंजन। ब्रेक्स मुझे भी कम लगे अभी, इट डिडंट हैव अ ग्रेट स्टॉपिंग पावर इवन दो आई वॉज एट लोअर स्पीड्स, ये थोड़े से स्पंजी फील दे रहे हैं ब्रेक्स एंड दे आर नॉट गिविंग अ गुड फीडबैक, बट आई थिंक वो भी टिपिकल बजाज रहा है बिकॉज इन बोथ माई 2017 डोमिनार एंड इवन माई 19 डोमिनार आई फेल्ट दैट यू नो वेन एवर द बाइक इज़ न्यू ब्रेक्स आर नॉट दैट शार्प एंड इफ़ यू स्टार्ट यूजिंग इट अ लिटल मोर 300-400 किलोमीटर चला लेते हो, 1000 किलोमीटर चला लेते हो, फर्स्ट सर्विस हो जाती है उसके बाद वो ग्रिप्स वगैरह ब्रेक्स और डिस्क मैच वगैरह अच्छा हो जाता है एंड यू गेट अ गुड फीलिंग, यू गेट अ गुड बाइट। इंजन वाइज फॉर नो स्लो स्पीड्स ऑफ रोड्स, इफ यू प्लान टू पुट ऑफ रोड टायर्स एंड राइड इट, आई थिंक यू शुड बी एबल टू मैनेज इट रियली वेल, बट ऑफकोर्स उसका दूसरा वर्जन आ रहा है विच शुड बी मोर केपेबल ऑफ ऑफ रोड्स। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, वेरी 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 गुड ग्राउंड क्लियरेंस। एक और चीज़ मुझे बतानी थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, दिस इज़ योर कूलेंट सेक्शन एंड इट इज़ स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ फ्रंट टायर। ऑफकोर्स ट्रायम्फ एंड बजाज हैज गिवन अ कवर हियर बट इट इज़ प्लास्टिक, इट शुड हैव बीन मेटल बिकॉज
कुछ अगर इम्पैक्ट होता है योर कूलेंट इज़ गोना गो ऑन द स्पॉट। ये जो आपको बैश प्लेट दिख रही है ये प्लास्टिक की है, एंड अंदर जो कूलेंट का बॉक्स है या फिर जो कूलेंट का कंटेनर है, ओवरफ्लो कंटेनर जो होता है, एडिशनल रिजर्वायर, इट इज़ राइट बिलो देयर ओवर देयर। दिस शुड हैव बीन समवेयर ओवर हियर, यू नो, कुछ तो डिज़ाइन करके बजाज को करना था समवेयर अप। इट्स अ वेरी नीट डिज़ाइन, कॉम्पैक्ट है, बट दैट्स अ वेरी रिस्की प्लेस वेयर एटलीस्ट आई वुडंट वॉन्ट माई कूलेंट टू बी। पोलो टायर्स इधर ऑफ रोड में बैड पैच पे काफ़ी अच्छे चले थे, बट probably if someone has to ride in bad patch can go in for the Templar series which is dual sport. Exhaust bhi kafi uncha hai, I'm not giving you the figures right now kya ground clearance wagera hai, but you can see the distance is quite good, kafi uncha hai. Touring ke liye bhi, you know, if you want to go on if you're going solo it should be more than enough. Aap yahan pe ek bag rakh ke, tail bag rakh ke aaram se move kar sakte hain. ग्रैब हैंडल इज़ क्वाइट गुड, इससे बड़े की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको, बिकॉज व्हीकल इज़ लाइट, यू कैन मैनूवर इट अराउंड ईजिली। हैंडल बार पोजिशन इज़ लाइक अ KTM ड्यूक, आई वुड हैव प्रिफर्ड अ लिटल मोर अप और अ टूरिंग हैंडल बार, अदरवाइज इट इज़ गुड। नो वाइब्स इन दी हैंडल बार, जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, बार एंड्स ही नहीं दिए उन्होंने बड़े वाले, दैट मीन्स दे नो दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू वाइब, देयर गोइंग बी नो वाइब्रेशंस, एंड दैट्स वाई इट इज़ सिंगल। आई मीन कुछ दिया ही नहीं है, एकदम छोटा सा एकदम सिंगल पीस दिया है, हार्डली 1 सेंटीमीटर का, सो दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड सिटी के लिए हैंडल बार पोजिशन चल जाएगा, बट लॉन्ग राइड के लिए आई प्रेफर समथिंग टूरिंग एट लिटिल मोर ऊपर, मे बी पुट राइजर्स वगैरह डाल के कुछ जुगाड़ कर सकते हैं। देर इज़ ऑफकोर्स अ USB चार्जर ओवर हियर, नाइस प्लेसमेंट, लेकिन मोबाइल होल्डर नहीं है डायरेक्ट कुछ, सो यू विल हैव टू ईदर पुट अ मोबाइल होल्डर ओवर हियर और अ टैंक बैग, एंड इट इज़ अ ऑल मेटल टैंक, सो यू कैन यूज़ अ मेटल टैंक बैग टू। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, पेंट फिनिश काफ़ी अच्छी है, देर इज़ नो कंप्लेंट ओवर देयर। शॉक अब्जॉर्बर्स फॉर दिस वेट आर सुपर्ब ऑन दिस बैड पैचेस, इन दिस बैड पैचेस आई डोंट फील के दे वर हार्ड और समथिंग, दे आर वेल बैलेंस्ड, काफ़ी यू नो थम्स जो है अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छे से बम्प्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ इशू नहीं है किधर भी। इवन दी रेयर शॉकर विच इज़ लेफ्ट साइड पोजिशन, इट इज़ एडजस्टेबल, फ्रंट एडजस्टेबल कुछ नहीं है बाय द वे, देर इज़ नो एडजस्टमेंट ऑन द फ्रंट, सो रेयर यू कैन एडजस्ट, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फ्रंट फुटपैक पे भी देर वर नो वाइब्रेशंस एज वॉट आई रोड राइट नाउ। इसका हम डिटेल्ड रिव्यू भी करेंगे, मैंने जैसे बताया 300-400 किलोमीटर बाद जब मैं इसको नंबर प्लेट आ जाए तो आई टेक इट ऑन दी हाईवे एंड गिव यू अ जेन्युइन फीडबैक। सो विद दैट सेड आई विल एंड दी व्लॉग हियर, मेरे पास और कुछ बताने को नहीं है। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो, आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट व्लॉग, और इफ़ आई हैव आंसर्स बिफोर दैट आई विल शेयर द आंसर्स बिफोर दैट। इफ़ यू लाइक द कंटेंट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर द वीडियो अहेड इफ यू फाइंड द फीडबैक इज़ जेन्युइन, एंड इफ यू न्यू ऑन माई चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।